वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि आज 21 जून और 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। तो गाइस आज हम जाएंगे अपने गांव के सरकारी स्कूल में और देखेंगे कि बच्चे कैसे करते हैं योगा। तो गाइस आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बने रहिए पूरी वीडियो में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें व कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चाहिए चलते हैं गाइस अपने गाँव के सरकारी स्कूल में। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं गाइस कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो कोई बात नहीं है, आज का थोड़ा इशू रहेगा। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में। ये रहा किचन स्कूल का और इधर बने हुए हैं क्लास, इधर भी कुछ क्लास बने हुए हैं। तो गाइस आइए देखते हैं। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोहित सर बच्चों को समझा रहे हैं और योगा करा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से बच्चों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं और योगा के बारे में बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, योगा से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, तो वो सब कुछ समझा रहे हैं और बता रहे हैं। तो गाइस आप वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी आज की वीडियो। इस तरीके से बैठो, पीछे होना नहीं है, गलत है, वो उल्टा कर रहा है, फिर सीधा कर रहा है। एक ही साइड देखो बेटा, एक ही साइड से सर के अपोजिट साइड घूमो, इस साइड घूमो, वापस आए सर इधर कुछ है, चलो वापस आओ सीधे, दोनों पैर सीधे, अब सीधे पैर को लटा के रखेंगे, उल्टे पैर को खड़ा करेंगे। उल्टा पैर कौन सा है और पैर उल्टा कौन सा है, घुमा के खड़ा करेंगे। पैर खड़ा रहना चाहिए आपका, लेटना नहीं चाहिए। उल्टा पैर करो, आपको पैर के दूसरी तरफ लाएं, जमीन से लगाएं और पीछे मोड़े शरीर को अपने जितना मोड़ सकते हो। सर के अपोजिट साइड, सर का इधर दे रहा है, आप लोग इधर करो। आवाज क्यों आ रही है? वापस आए, उल्टे पैर को सीधा रखें, बिना कुछ सारा ध्यान आपको सांस लेने पर लगाना है। रोके, वापस, ये कहलाता है वृक्षासन। वृक्ष की तरह जैसे वृक्ष पेड़ के ऊपर बेल लपटी होती है, ऐसे ही शरीर को लपेटना होता है, इससे हाथ पैरों में खिंचाव आता है और शरीर में लचीलापन बना रहता है। ठीक है, और जितना भी योगा होता है वो आपके शरीर को बैलेंस करना सिखाता है, स्थिर करना सिखाता है, ना सिर्फ शरीर बल्कि मन भी। और जितना हम तन से और मन से स्थिर रहेंगे उतना ही अपने काम को हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए हाथ को ऐसे करो, इतना मिलाओ और धीमे से सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाओगे और धीरे धीरे पंजे ऊपर उठाओगे, खींचे शरीर को ऊपर, धीमे धीमे सांस लें, शरीर को रोके, अब धीमे से शरीर को खींचते हुए पूरे हाथों को खींचते हुए धीमे से नीचे लाएंगे और पैरों को नीचे लाएंगे हल्के हल्के। कमर से हटाओ नीचे, ऐसे ही जितना मुड़ सकते हो उतना, वापस आए, आप नीचे, अब सीधे पैर पर बहुत आराम से सीधे पैर पर खड़े होंगे और उल्टे पैर को सीधे पैर के ऊपर रखेंगे, बहुत धीमे से, जितनी जल्दबाजी करोगे उतना बैलेंस बिगड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर और शरीर को ऊपर खींचें, धीमे से बिल्कुल सीधे और धीमी धीमी सांस लो, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा। और कोई बात दिमाग में नहीं चल रहा,
अंदर से शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है, शरीर खाली खाली सा लग रहा है, एक सांस भी आ रही है। लंबी सांस जितनी ले सकते हैं धीमे से सांस लें, बहुत धीरे से, इतनी धीरे कि आपका शरीर हिलता हुआ महसूस ना हो, और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ें। आपका पूरा ध्यान सांस लेने पर और सांस छोड़ने पर है। कानों में कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मन के अंदर बहुत शांति है। धीमे से लंबी सांस लें और सारी बुरी चीजों को सांस के साथ बाहर छोड़ें। जितनी सांस ताजा हवा अपने अंदर भरे और बहुत धीरे से सांस को छोड़े। इस हवा के साथ साथ मौसम की ताजगी आपको महसूस हो रही है, पूरे शरीर में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है। धीमे से ताज़ा हवा को अपने अंदर लें, बहुत धीमे से सांस को अंदर खींचें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और बहुत धीमे से सांस को छोड़ें। इतना धीरे कि आपको सांस महसूस हो कि वो कैसे धीरे धीरे बाहर जा रही है।